हेलो क्लास 11th स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम 1.3 को कंप्लीटली सॉल्व करने के बाद अब बारी है प्रॉब्लम 1.4 को भी कंप्लीटली सॉल्व करने की। अगर आपने इसे प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देखा है, साथ ही साथ आने वाले वीडियोस का सॉल्यूशन देखना चाहते हो तो कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा तुम्हें डिस्क्रिप्शन में, तो एक बार डिस्क्रिप्शन तुम जरूर चेक कर लोगे। प्रॉब्लम 1.4 है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ मिथेन, यानी कि मिथेन का कितना मोल्स आर रिक्वायर्ड, है ना, रिक्वायर्ड होगा टू प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ CO2 आफ्टर कंबसन, यानी कि मिथेन के कंबसन के बाद हमें यह बताना है कि कितने मोल्स मिथेन का रिक्वायर्ड होगा 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के प्रोडक्शन के लिए। तो चलो फटाफट से देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। तो यह है स्टोइकोमेट्री का प्रॉब्लम। स्टोइकोमेट्री में अगर तुम्हें एक भी टॉपिक्स में अगर तुम्हें प्रॉब्लम होता है, चाहे मास 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 वॉल्यूम या फिर वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप्स, तो उसके लिए हमने कंप्लीटली वीडियो बना रखा है, उसका भी लिंक मिल जाएगा तुम्हें डिस्क्रिप्शन में। तो एक बार सारे वीडियोस को देख लोगे, लगभग एक घंटे का वीडियो तुम्हें देखने को मिल जाएगा। चलो देख, तो इसका सॉल्यूशन हम लोग कैसे करते हैं। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें करना होता है इक्वेशन को बैलेंस्ड, यानी कि सबसे पहले तुम इक्वेशन अगर क्वेश्चन में गिवन है तो सही है, अदरवाइज तुम्हें इक्वेशन लिखना पड़ता है। तो इसे पहले वाले क्वेश्चंस में भी हमने मिथेन का कंबसन कराया था, मिथेन जिसका फॉर्मूला होता है CH4। जब तुम इसका कंबसन कराते हो यानी कि O2 के साथ रिएक्शन कराते हो, तो वैसे केसेस में फॉर्मेशन होता है CO2 का और उसके साथ साथ निकलता है वॉटर। क्या निकलता है? दैट इज वॉटर। ठीक है, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले हमें करना होता है इक्वेशन लिखने के बाद इक्वेशन को बैलेंस्ड, और पिछले क्लास में हमने इसको बैलेंस्ड किया था। यहां पर 2 और यहां पर बस 2 का हम लोग यूज कर लेंगे। इक्वेशन फाइनली हमारा बैलेंस्ड हो चुका है। ठीक है, अब अगर हम लोग यहां पर देखें तो ये एक मोल है, यानी कि इससे पहले कुछ नहीं लिखा, मतलब ये एक मोल है। यहां पर ये 2 लिखा हुआ है, यानी कि ये 2 मोल है, जिसको स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट भी आप बोलते हो। यहां पर कुछ नहीं लिखा, मतलब ये भी एक मोल है, और यहां पर ये हमारा 2 मोल है। तो यहां पर तुम्हें क्लियरली दिख रहा है कि एक मोल CH4 से तुम्हारा एक मोल CO2 का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, एक मोल CH4 से एक मोल CO2 का प्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन हमें दिया है कि 22 ग्राम CO2 से कितना प्रोडक्शन होगा मिथेन का, है ना, यही हमें बताना है। तो चलो बता देते हैं, ऐसा करते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स निकाल देते हैं CO2 का। CO2 का जो नंबर ऑफ मोल्स आएगा वही तो CH4 का भी मोल्स होगा, इसलिए क्योंकि एक मोल से एक मोल CO2 का ही तो प्रोडक्शन यहां पर हो रहा है। तो अगर हमारे पास CO2 का नंबर ऑफ मोल्स 5 आया तो हम बता देंगे कि 5 मोल CH4 का प्रोडक्शन होगा, अगर हाफ आया तो हाफ मोल CH4 का प्रोडक्शन होगा या हाफ मोल CH4 रिक्वायर्ड होगा, है ना, बात तो सेम ही है। तो चलो हमारा काम क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स जिसको N के थ्रू हम लोग डिनोट करते हैं ऑफ CO2, और नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला होता है जब मास गिवन होता है, तो वैसे केसेस में GM यानी कि गिवन मास बाय मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास। अब गिवन मास CO2 का है कितना, तो सर वो तो 22 दिया हुआ है। मोलर मास CO2 का कितना आएगा, एक कार्बन का होता है 12, एक ऑक्सीजन का 16, तो 2 ऑक्सीजन का हो जाएगा 32, यानी कि हो जाएगा 22/44, जो कि कैंसिल होने के बाद आ जाएगा कम्स आउट टू बी हाफ मोल, हाफ मोल, देयरफॉर या फिर हेंस हेंस। अब अगर हमारे पास हाफ मोल CO2 है तो उसके लिए CH4 भी कितना रिक्वायर्ड होगा, हाफ ही होगा सर, क्योंकि एक मोल CH4 से प्रोडक्शन होता था एक मोल CO2 का। तो अगर हमारे पास हाफ मोल CO2 है ना, तो CH4 भी हाफ मोल ही होंगे। देयरफॉर मोल्स ऑफ CH4 रिक्वायर्ड, है ना, मोल्स ऑफ CH4 रिक्वायर्ड। CH4 का कितना मोल्स रिक्वायर्ड होगा, दैट इज हाफ मोल, दैट इज कितना, हाफ मोल, एंड दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो यहां पर ये प्रॉब्लम 1.4 भी हमारा कंप्लीटली सॉल्व हो जाता है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में प्रॉब्लम 1.5 के सॉल्यूशन के साथ, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहो, और कंप्लीट प्लेलिस्ट नहीं देखा तो एक बार कंप्लीट प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लो।